हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि दोस्तों AAI की ओर से यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है। एडवर्टाइजमेंट का नंबर आप यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों इस एडवर्टाइजमेंट में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से ग्रेजुएट अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली गई है, डिप्लोमा अप्रेंटिस की वैकेंसी निकल कर आई है, और जो ITI पास आउट है दोस्तों उनके लिए भी यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आई है दोस्तों। लेकिन लेकिन दोस्तों यहां पर आप देख लीजिए क्या लिखा गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो रीजनल हेडक्वार्टर ईस्टर्न रीजन है ये इनवाइट करता है एप्लीकेशंस के लिए फ्रॉम द इलिजिबल कैंडिडेट, यानी जो भी इलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर रीजनल हेडक्वार्टर ईस्टर्न रीजन इन्वाइट करता है एप्लीकेशंस के लिए जिनके पास, जिन भी कैंडिडेट के पास डोमिसाइल होगी वेस्ट बंगाल की, बिहार की, उड़ीसा की, छत्तीसगढ़ की, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे किसी कैंडिडेट ने यहाँ पर बताया था, आई थिंक नमिता जी ने मुझसे पूछा था कि सर आप छत्तीसगढ़ की जो यहाँ पर वैकेंसीज होती है उसके लिए भी कवर कीजिए। तो नमिता जी यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर साफ तौर से मेंशन किया गया है कि जिन भी कैंडिडेट के पास वेस्ट बंगाल की डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगी, बिहार की डोमिसाइल होगी, उड़ीसा की डोमिसाइल होगी, छत्तीसगढ़ की डोमिसाइल होगी, झारखंड, अंडमान एंड निकोबार और सिक्किम की जिनके पास भी डोमिसाइल होगी यानी वहां के आप रहने वाले होंगे तो वहां की आपके पास डोमिसाइल तो होगी ही दोस्तों। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। 1 ईयर की आपकी ट्रेनिंग रहेगी। देख सकते हो यहाँ पर कौन कौन से डिसिप्लिन्स में आपने अपना डिप्लोमा, डिग्री या फिर ITI किया होना चाहिए। देख सकते हो दोस्तों अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपने BE किया है या BTEC किया है तो ये आपने एरोनॉटिकल में किया होना चाहिए या ऑटोमोबाइल में किया होना चाहिए या आर्किटेक्चर में किया होना चाहिए या सिविल, कंप्यूटर साइंस, डेटा एनालिसिस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT या फिर मैकेनिकल ट्रेड से आपने अपना जो BE या फिर BTEC किया है ये आपने इन्हीं ट्रेड्स में किया होना चाहिए। कितनी क्या वैकेंसी है देख सकते हो यहाँ पर, 30 वैकेंसी टोटल है। 1 ईयर की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान हर महीने आपको एक अमाउंट दिया जाता है जिसको हम स्टाइफेंड बोलते हैं। तो अगर आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है और आप यहाँ पर अप्रेंटिस के लिए सेलेक्ट होते हैं तो 15,000 रुपया हर महीने ग्रेजुएट वालों के लिए यहां पर मिलने वाला है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आप यहां पर देख लीजिए, जिन भी लोगों ने यहां पर डिप्लोमा किया है, जिन भी कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा किया है एरोनॉटिक्स से, ऑटोमोबाइल से, आर्किटेक्चर, सिविल, कंप्यूटर साइंस, डेटा एनालिसिस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, मैकेनिकल, मैथमेटिक्स या स्टेटिक्स से आपने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया है, 45 वैकेंसी टोटल हैं। 1 ईयर की आपको भी ट्रेनिंग ये प्रोवाइड करेंगे और साथ ही साथ आपको 12,000 रुपया हर महीने दिया जाएगा। नेक्स्ट यहां पर देख लीजिए, जिन भी कैंडिडेट्स ने ITI कंप्लीट किया है यानी ITI आप पास आउट हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट से आपने ITI किया हुआ है या इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टीनो, इन्हीं ट्रेड से अगर आपने ITI पास आउट आप हुए हैं तो आपके लिए यहाँ पर देखिए दोस्तों मौका है। 55 यहाँ पर टोटल सीट्स हैं। 1 ईयर की आपको भी ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएगी। अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे 9,000 रुपये यहाँ पर हर महीने आपको मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान। और ये ट्रेनिंग दोस्तों कौन कौन सी जगहों पर होने वाली है वो लोकेशन यहाँ पर बताई गई है। देख लीजिए इन्हीं लोकेशंस में आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। जैसे कुछ मैं यहाँ पर रीड कर लेता हूँ, जैसे कोलकाता में आपकी ट्रेनिंग रहेगी, भुवनेश्वर, ठीक है, कुछ बिहार, गया, और ये कुछ 13 लोकेशंस हैं दोस्तों। जैसे पटना हो गया, पोर्ट ब्लेयर हो गया, रायपुर, रांची, तो ये कुछ 13 लोकेशंस हैं जो आप फॉर्म पर फिलअप करोगे अपने प्रेफरेंसेस कि आप कौन सी जगह से ट्रेनिंग करना चाहते हो। लेकिन च्वाइसेस दोस्तों सेम है कि इन्हीं 13 जगहों पर ही आपकी ट्रेनिंग होने वाली है, यानी इन्हीं में से आपने चूज करना है कि कौन सी जगह पर आप ट्रेनिंग करने के लिए ट्रेनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की रहेगी वो 31 जैन 2024 रहेगी। इसके अलावा
एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपने डिप्लोमा या डिग्री की है तो ये रेगुलर बेसिस पर की होनी चाहिए। 4 साल का डिप्लोमा, 4 साल की डिग्री, 3 साल का डिप्लोमा रेगुलर बेसिस पर किया होना चाहिए। आईटीआई अगर आपने की है तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी ऊपर ट्रेड्स मेंशन किए गए हैं उन्हीं ट्रेड्स में आपने अपनी आईटीआई जो है वो कंप्लीट की होनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, देख लीजिए दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या लिखा है कि कौन यहाँ पर इलिजिबल है। वही लोग यहाँ पर इलिजिबल हैं दोस्तों जो इंडियन नेशनल्स हैं लेकिन ईस्टर्न रीजन के, है ना, ओनली इंडियन नेशनल्स फ्रॉम द ईस्टर्न रीजन से जो बिलोंग करते हैं वही लोग यहाँ पर इलिजिबल हैं, जैसे मैंने शुरू में ही आपको बताया था। इसके अलावा मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कैंडिडेट पास डिग्री डिप्लोमा, आपने अगर अपनी डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट किया है ये 2019 में आपने कंप्लीट किया होना चाहिए या फिर इसके बाद यानी 2020 में अगर आपने कंप्लीट किया हो या 2021, इस तरीके से आपने समझना है, यानी 2019 वाले ईयर में आपने पास किया होना चाहिए या फिर 2019 के बाद वाले ईयर्स में भी अगर आपने पास किया है तो यहाँ पर आप इलिजिबल हैं, लेकिन 2019 से पहले का नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है, 2019 से पहले यानी 2018 हो गया तो ये वाले ईयर्स वाले इलिजिबल नहीं होंगे यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। मिनिमम जो आपकी एज है ये 18 साल होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 26 ईयर्स यानी 26 साल तक अगर आपकी एज आती है आप अप्लाई कर पाओगे। आपकी एज को काउंट किया जाएगा 31/12/2023 को, तो 31/12/2023 तक जब आपकी एज को काउंट किया जाएगा तो ये 26 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एज में आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा अगर आप एससी से बिलोंग करते हो, एसटी से बिलोंग करते हो, ओबीसी या पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो। मोड ऑफ सिलेक्शन यानी किस तरीके से आपको यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा, प्रोविजनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में आपकी जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं उसके बेसिस पर यहाँ पर प्रोविजनल सिलेक्शन होने वाली है। प्रोविजनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में आपकी परसेंटेज क्या रहती है उस बेसिस पर आपको यहाँ पर प्रोविजनल सिलेक्ट किया जाएगा। कैंडिडेट्स द कैंडिडेचर ऑफ द एप्लीकेंट्स वुड बी प्रोविजनल, द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको यहाँ पर इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, यानी जो भी ईमेल आईडी आपने दी होगी उसी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के जरिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के लिए बता दिया जाएगा। आगे आप यहां पर देख सकते हो फाइनल सिलेक्शन, जो फाइनल सिलेक्शन द फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द इंटरव्यू वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो जो फाइनल सिलेक्शन रहेगी वो इंटरव्यू के बेसिस पर और वेरिफिकेशन ऑफ द सर्टिफिकेट्स की वेरिफिकेशन होगी, उस बेसिस पर आपको यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। और आपको ज्वाइनिंग के टाइम पर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देनी पड़ेगी वहां पर एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग के टाइम पर, यानी कि दोस्तों आप मेडिकली फिट हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यहाँ पर एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देनी होगी। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड प्रेफरेबली एट द गिवन लोकेशन ईस्टर्न रीजन बेस्ड ऑन दियर रजिस्ट्रेशन लोकेशन इन पोर्टल, यानी जब आप यहाँ पर रजिस्टर करोगे दोस्तों वहां पर जो भी आप पोर्टल पर लोकेशन दोगे उसी हिसाब से उसी जगह पर आपकी यहाँ पर ट्रेनिंग होने वाली है। लास्ट डेट जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया 31/1/2024 लास्ट डेट रहने वाली है। नीचे आप यहाँ पर देख सकते हो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर दोस्तों बोट वेब पोर्टल पर रजिस्टर्ड करना होगा। जो भी ग्रेजुएट और डिप्लोमा वाले हैं वो यहाँ पर www.nets.education.gov.in पर रजिस्टर करेंगे और जो ITI वाले हैं वो www.apprenticeshipindia.org यहाँ पर रजिस्टर करेंगे। ठीक है, दो पोर्टल यहाँ पर बताए गए हैं, एक तो डिप्लोमा और ग्रेजुएट वालों के लिए, एक ITI वालों के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर क्या बताया गया है दोस्तों, ये जब आप यहाँ पर अप्लाई करोगे ऑनलाइन मोड से तो यहाँ पर आप खास ध्यान रखोगे कहीं आपसे कोई एरर या कुछ यहाँ पर आपको मिस्टेक ना लग जाए, तो ये आप सारी चीजें ध्यान से रखोगे क्योंकि जो लोग यहाँ पर रजिस्टर करेंगे उन्हीं लोगों को यहाँ पर जो है ट्रेनिंग करने का मौका मिल सकता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं नो TADA विल बी प्रोवाइडेड, ट्रेवलिंग अलाउंसेस वगैरह आपको पता है ये आपको नहीं मिलने वाला है अगर आप वहां पर जाते हो, चाहे फिर ज्वाइनिंग करने के लिए जाते हो या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जैसे भी आपको ये बुलाते हैं तो ये आपको वहां पर खर्चा वगैरह इसके लिए आपको नहीं मिलने वाला है, अपने ही खर्चे पर आपको जाना है। इसके अलावा दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर क्या बताया गया है, फॉर बोट पोर्टल
देखिए जो भी यहाँ पर डिप्लोमा और डिग्री वाले रजिस्टर करेंगे उनको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर फोन नंबर भी बताए गए हैं, इनको आप डायरेक्ट फोन करके बता सकते हो, ठीक है ना। प्लीज मेल रीच आउट टू ईस्टर्न रीजन स्टूडेंट, जो भी ईस्टर्न रीजन के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर मेल कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फॉर आईटीआई ट्रेड रिलेटेड क्लेरिफिकेशन या क्वेरी। अगर आईटीआई ट्रेड रिलेटेड कोई भी क्लेरिफिकेशन कोई भी क्वेरी है तो आप इनको ईमेल कर सकते हो, यहाँ पर ईमेल बताई गई है, दो ईमेल्स हैं, ठीक है। तो इन ईमेल्स के जरिए आप इनको ईमेल भी कर सकते हो, और जो डिग्री और डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए यहाँ पर ईमेल आईडी भी बताई गई है, फोन नंबर्स भी बताए गए हैं, तो वो यहाँ पर इनको कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ आपको ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।